What's up guys, this is Guru Maan. आज का मेरा टॉपिक है चीट मील के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ हवा काफी चल रही है, सो हो सकता है माइक्रोफोन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। I'm really sorry about that. Anyways, चीट मील, ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या चीट मील जरूरी है, कितने हफ्तों के बाद, कितने दिनों के बाद हमें चीट मील लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। ओके, चीट मील, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, अलग अलग लोग हैं इसके अंदर। जो लोग अनफिट है, ओवरवेट है, काफी ओवरवेट है, काफी बॉडी फैट है आपकी, तो आप चीट मील के बारे में तो सोचे ना भी। अभी आपकी बॉडी या आप डिजर्व नहीं करते चीट मील अगर आप अनफिट हैं, ओवरवेट हैं, क्योंकि आपने इतना ज्यादा चीट किया है न्यूट्रिशन में, खाने में, तभी आप अनफिट है। तो आप चीट मील की अभी डिमांड ना करें। लगभग 4 हफ्ते तक क्लीन खाएं, जितना क्लीन हो सके, उसके बाद आप एक चीट मील कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बैक टू 3 to 4 weeks तक आप कुछ गलत नहीं खाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो लोग काफी ओवरवेट है, काफी ज्यादा बॉडी फैट है। अब जो लोग फिट है, ज्यादा फैट नहीं है उनकी बॉडी, ओवरवेट, बहुत कम ओवरवेट है, तो आप यहां पर हर 15वें दिन, मतलब महीने में 2 बार चीट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या खाना चाहिए आपको। तो आप हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार चीट कर सकते हैं, हर 15वें दिन के बाद, मतलब हर 2 हफ्ते के बाद। जो लोग यहां पर फिट है, ओवरवेट बिल्कुल नहीं है, ना अंडरवेट है, बॉडी फैट भी अच्छी है, 12% है उसके पास पास है, 10 से 12 के पास और या कम है, तो वो यहाँ पर हर 7वें दिन, मतलब हर 7वें दिन हफ्ते में एक बार चीट कर सकते हैं। सो चीट का कौन सा दिन होना चाहिए? ओके, सो चीटिंग डे आपका जो होना चाहिए, चीट मील, चीट नॉट दिन, पूरा दिन नहीं होना, चीट मील, सिर्फ एक मील कंज्यूम करनी है। वो आपकी लंच हो सकती है, डिनर हो सकता है, डिपेंड करता है। डिनर मोस्टली हम कंसिडर करते हैं चीट में, we go out with friends, girlfriend, family, wife, you know, and with kids, depend करता है क्या status है आपका, and then we हम restaurant में जाते हैं, movie जाते हैं, घूमने जाते हैं बाहर, club में जाते हैं, party में जाते हैं, शादी में जाते हैं, so these are part of it, और weekend में होता है mostly, तो वहाँ पर हम cheat करते हैं, तो भी हम ज़्यादा sugar, ज़्यादा food ऐसा consume करते हैं, जो हमें मालूम है कि ये nutrition ज्यादा नहीं है, सो विच इज नॉट अ हेल्थ फ्रेंडली फूड, सो कुछ चीट कंसिडर करेंगे। सो डेफिनेटली वीकेंड बेस्ट है, सैटरडे और संडे, कोई भी चूज करें। सो तीनों लोगों मैंने कवर किया है, फिट, जो थोड़े से अनफिट है, और जो बिल्कुल अनफिट है, ज्यादा ज्यादा फैट है, थोड़ी फैट है, या बिल्कुल फिट है। तीन अलग अलग तरह से एक महीने, 4 हफ्ते के बाद चीट करेंगे, और दूसरी कैटेगरी 2 हफ्ते के बाद, और तीसरी कैटेगरी हफ्ते के बाद। ओके, सो क्या खाना चाहिए चीट मील में? आप कुछ भी, आप हाई शुगर, जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, जैसे पिज्जा मैंने अभी बोला है, पिज्जे का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा का पिज्जा खाना है, 2-3 स्लाइस खाएं। अगर आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने फिटनेस गोल की तरफ, तो आपको कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में चीट मील कंज्यूम की आपको खराब करेगी। तो ये ध्यान रखना है कि आप अपने गोल, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आपके गोल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप डिसीजन आपने लेना है, तो उसकी क्वांटिटी कम रखें, टेस्ट लें, आपके ब्रेन को खुश कर दें, क्योंकि चीट मील का मतलब है योर ब्रेन इज हैप्पी, नॉट योर बॉडी। बॉडी तो आपकी सफर होगी ना, जो आपने खाया उसका टेस्ट 1 मिनट में आपके, 1 से 5-10 मिनट तक आपके ब्रेन को मिला, आर यू हैप्पी, उसके बाद आपकी बॉडी रियलाइज करती है ये क्या खा लिया, स्टमक अप, यू फीलिंग इट, यस, क्योंकि यू लिसनिंग योर ब्रेन। जब फिटनेस की बात होती है, यू हैव टू लिसन योर बॉडी, अपनी बॉडी की सुने, ब्रेन की नहीं। ब्रेन तो आपकी शुगर, सॉल्ट डिमांड करता है, और बॉडी आपकी सफर करती है। सो ध्यान रखना, अपने बॉडी को आप सफर ना होने दें, इसीलिए ब्रेन को थोड़ा सा फीड करें, वो खुश हो जाएगा, राइट? वेरी सिंपल। सो कंट्रोल योर ब्रेन, एवरीथिंग राइट हियर, सब कुछ यहां पर है, योर स्ट्रेंथ, योर फोकस, योर गोल्स, योर अचीवमेंट, सक्सेस, राइट हियर, ब्रेन, इट्स अ मोस्ट पावरफुल मसल in your body, and it's most dangerous muscle in your body as well.
जो पावरफुल भी है डेंजरस भी है, डिपेंड करता है आपने कैसे यूज करना है, राइट। एनीवेज, सो चीट मील में आप दो स्लाइस पिज्जा के, आलू के पराठे, पूरी छोले, राइट, जो भी बाहर इंडियन, डिपेंड करता है आप कौन सा आपने फूड खाना है, आइसक्रीम, चॉकलेट, यू नो, बर्गर। सो ये एक मील आप कोई भी खा सकते हैं। अगर शाम को आप लिकर में ऐड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप थोड़ी सी ड्रिंक अगर पीते हैं, 2 beers एंड 2 shots आपके ड्रिंक के, होल फैट और समथिंग क्रीमी बटरी फूड ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। मेक श्योर फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ही खाएं। सो चीट मील इतनी जरूरी नहीं है। हम चीट मील इसलिए खाते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकें, क्योंकि ज्यादा देर तक आप क्लीन डाइट पर रहने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है, जिससे आपको रिजल्ट आने कम हो जाते हैं। सो जब आप चीट मील खाते हैं, यू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म, जिससे आपके रिजल्ट, दोबारा आपकी बॉडी रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर इंजन है जो कैलोरीज बर्न करता है। जिस तरह गाड़ी के अंदर इंजन होता है जो पेट्रोल या डीजल बर्न करता है, उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है जो कैलोरीज बर्न करता है। सो वो स्लो हो जाता है तो कैलोरी बर्न नहीं होती, इसीलिए आप चीट मील ऐड करते हैं उसको तेज करने के लिए। अगर आप रोज चीट मील ऐड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, तो वो ये ना सोचें कि वो और तेज हो जाएगा, नहीं, वो खराब हो जाता है। सो डेफिनेटली यू कैन चीट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी फैट परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर वेट, राइट। सो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, अपने आप को फिट सारा साल रखता हूँ और अपनी बॉडी को ट्रीट भी, अपने ब्रेन को खुश करने के लिए डेफिनेटली मैं चीट ऐड करता हूँ। एंड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाकर, जहाँ घर में खुद हैवी चीट, कुछ चीट मील बनाकर आई ईट इट। वेरी सिंपल गाइस, सो जो जरूरी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार या महीने में 1 बार अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेरी सिंपल गाइस, ऑल राइट गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट, बाय।